अज बठिंडा के सिविल हस्पताल विखे डॉक्टर वालों लगाया गया सिविल सर्जन दफ्तर ताला ते की पंजाब सरकार खिलाफ नारेबाजी। दस दीए कि पे कमीशन की रिपोर्ट को रिवाइज करने लैके एन पी ए की बहाली को लेकर अज डॉक्टर लगातार पिछले 40 दिनों तो धरने चल रहे हैं। तो अज उन्हां वालों स्टेट कमेटी वालों फैसला किया गया कि सारे ही सिविल सर्जन दफ्तर तो ओ पी डियां बंद किया जाऊगा। अज उन्हां वालों किसी भी तरह की कोई ओ पी डी नहीं की जा रही। उधर सिविल सर्जन दफ्तर के भी उन्हां वालों ताला लगा दिता गया है क्योंकि उन्हां बोलदिया कहा कि इतों ही यह पॉलिसियां बनदियां हैं तो असी इन्हों जिथे ये साढ़े खिलाफ पॉलिसियां बनदियां असी उन्हां दफ्तरों भी अज बंद करता तो अगले 3 दिन तक इस तरह ही बंद रहेंगे। इस मौके जो बठिंडा के सिविल सर्जन डॉक्टर तेजवंत सिंह ढिल्लों भी अपने दफ्तर में पहुंचे तो उन्होंने अगे ताला लगे देख के वो भी वापस मुड़ते बने। तुम देख रहे हो कि जिते सिविल सर्जन दफ्तर में ताले दवा सिविल सर्जन बाहर खड़ा दिखाई दे रहा है उत्थे डॉक्टर वालों ओ पी डी भी ताला लगाया जा रहा है। मेरा डॉक्टर सुमित है जी, सुमित वंश। ये जी थानू जिमें पिछले ऑलमोस्ट सवा महीने तो एन पी ए जिहड़ा साड़ी कटौती की है तो बेसिक पे दे नालो डीलिंक किया इस दे खिलाफ दे विच सारे पंजाब भर के डॉक्टर का धरना जारी है। असी पहला लोगों दियाँ तकलीफां मुख रखते हुए पैरल ओ पी डी भी स्टार्ट की ते पर उस दे नाल भी सरकार दे कन्न ते कोई जू रेगदी नहीं लगती। बहुत बार आश्वासन भी आ चुके सेहत मंत्री वल्लों बट हाले भी साडा जिहड़ा हैगा मुद्दा ये उत्थे दी उत्थे खड़ा है। हुण साडी स्टेट कमेटी की जिहड़ी मीटिंग है उस दे दौरान असी यह फैसला किया भी सोमवार तो 3 दिन तक 3 दिन तक असी कंप्लीट ओ पी डी सेवावां बंद रखांगे ते बाकी जिन्ना भी पोस्टमार्टम हैगे आ या दूसरा एमरजेंसी सेवावां होणगियां वो चालू रहनगियां। इस तो इलावा बाकी सारिया सेवावां जिहड़ियां हैगियां बंद रहनगियां। तो इस तो बावजूद भी जे सरकार नहीं मानती तो असी वीरवार तो चंडीगढ़ डायरैक्टर ऑफिस से धरना देवांगे तो उत्थों के सारा कार्यकार असी बंद करांगे। अज असी तो सिविल सर्जन दफ्तर नूं जिंदा लाया जी, बंद किया क्योंकि इत्थों ही पॉलिसियां बनदियां जिहड़ियां लोक मारू नीतियां दी पॉलिसियां बनदियां हैगियां। ये 3 दिन तक ये हड़ताल चालू रहेगी जिस विच असी सिविल सर्जन ऑफिस का कंप्लीट तरह वॉकआउट करांगे। अज यही है भी जो एन पी ए लैके स्ट्राइक चल रही है काफ़ी दिनों तो ऑलमोस्ट महीने तो उपर हो गया है तो वो सरकार ने अजे तक कोई साढ़े पक्ष फैसला नहीं किया है तो वो अकॉर्डिंगली असी फिर अज सिविल सर्जन ऑफिस बंद किए हैं ताकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जोड़ा वो ना हो सके क्योंकि असं पहले पिछले जो पैरेलल ओ पी डी भी चलाइया से लोगों मतलब सहूलत असं देंदे जा रहे हैं एमरजेंसी सेवावान भी साड़ियाँ चलदियाँ पे बट सरकार वालों साढ़े पक्ष कोई फैसला ना होने करके असं अज एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है बंद किए। हाँ जी किन्नी देर रहेगा? 3 दिन का है फिर उस तो बाद देखते जिदा स्टेट की कॉल आती है उदा कंटिन्यू होएगा। मरीजों को जो देखो एमरजेंसी जिहड़ियां सेवावां वो तो मिल ही रही पोस्टमार्टम चल रहे एम एल सी कटे जा रहे हैं ठीक है कोरोना का वर्क जो सारा वो हो रहा है जो भी सीरीयस मरीज आते हैं सब हैंडल हो रहे हैं सिर्फ ओ पी डी सेवावान जो बंद की गई हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब की नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर जगरूप सिंह है जी। हाँ जी की कहना चाहोगे असी जी पिछले 40 दिनों तो अपनिया हक्की मंगा नू लैके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। 6वें पे कमीशन दियाँ जो सिफारिशा ने वह निजीकरण की पॉलिसी नू प्रमोट कर दियाँ ने
असी यह स्कीम समझते हुए सरकार जी असी धरने प्रदर्शन किए हैं वक् वक् रूपों से किए हैं। 40 दिन हो गए सानू यह प्रदर्शन करद्या इन प्रदर्शनों दौरान असी लोक पक्षी होंदे हुए असी एमरजेंसी पोस्टमार्टम मेडिकल लीगल सेवावान निर्विघन जारी रखिया, कोविड के रिलेटड सेवावान निर्विघन जारी रखिया। ओपीडी सेवावान कुछ दिन असी बंद कीतियां, बाद च लोगों के पक्षों नूं विचारदे हुए असी ओपीडी पैरल भी शुरू की, यूनियन वालों एक स्लिप भी बनाई सी उहदे ते अपने मंगां लिख के, वह प्लस मेडिसन भी असी हुण सारे पंजाब दे विच हुण तक लगभग 1 लाख मरीज़ नूं वेख चुके हैं। तो यह साडा यह जिहड़ा पक्ष है यह दर्शाउंदा है कि असीं लोकां दे नाल आ, पर सरकार कितें ना कितें सानू लारे ला ला के साडियां मंगां ना मन के सानू देर कर रही है, 40 दिनां तक लैके आ रही है। सरकार दी ये मनशा है भी असीं लोकां नाल साडा टकराव हो जाए सीधा, क्योंकि जे असीं अग्रैसिव होकर किसी भी तरह का कोई स्टैप लैंदे आ तो अल्टीमेटली असीं लोकां नूं सेवावां दिंदे आ तो वह अफैक्ट करदा है। तो सरकार दी नीति है पाड़ो ते राज करो वाली, सरकार चाहुंदी है कि साडा टाकरा हो जाए, पर असीं सरकार नूं दस देना चाहुंदे आ कि साडे कोल होर बड़ियां स्कीमां ने, असीं लोकां दे पक्षी हाँ, लोकां दे नाल हाँ, लोग साडे नाल तुरनगे। इस करके असीं एडमिनिस्ट्रेटिव जिहड़े ब्लॉक्स ने उहनां नूं बंद किया, जिथे ये पॉलिसियां बनदियां ने, घड़ियां जांदियां ने जां इंप्लीमेंट हुंदियां ने, असीं उहनां सिविल सर्जन दफ्तरां नूं सारे पंजाब दे विच बंद किया। सीनियर मेडिकल अफसर के दफ्तर ने जितों यह पॉलिसियां इंप्लीमेंट होंदियां ने नीचे उत्थे बंद किया। 3 दिन का साडा यह प्लैन है, सोमवार मंगलवार बुधवार का। जेकर सरकार हले भी सानू ही लारे वाली स्कीम दे विच रखूगी तो असी 4th दिन DHS चंडीगढ़ विखे एक बड़ा मुजाहरा करांगे ते इह उत्थे बी नू उहनू भी ऑक्यूपाई करांगे। डे दे डे इह कोई टाइमिंग रखी जाएगी या कोई डे नाइट इत्थे कोई अवेलेबल रहेगा? साडी इह मनशा रहेगी जी, इह दिन रात जिवें भी है असी इस दफ्तर च किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं होने देना घट्टो घट्ट 3 दिनों वास्ते। जे तुसी चाहुंदे हो कि हर तरह की खबर तुहाडे तक पहुंचे तो तुसी मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो अते घंटी नू ऑन ते करो।